सिरोंज के कजरी बखेड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति मकान बनाने में कर रहे हैं बाधा उत्पन्न। बताया गया कि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। सिरोंज के कजरी बरखेड़ा में रहने वाले रमेश अहिरवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों से वे अपने मकान नहीं बना पा रहे हैं। पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा खुद को जागीरदार बताकर ऐसा करने से रोका जा रहा है। वहीं सामाजिक तौर पर भी उनके साथ अनर्गल टिप्पणी की जाती है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कलेक्टर से गुहार लगाने और अपने मकान को पूर्ण बनाने की अनुमति लेने के लिए वे यहां पहुंचे। बीच के कागज पूरो हे फैला जाओ तो फोटो में पूरो भरा जाओ बीच के और हेलो पूरो भरा जाओ तो क्लियर हो जाए। मेरा नाम रमेश है, रमेश अहिरवार, कजरी बरखेड़ा गांव है मेरा, खूजा पंचायत है, तहसील सिरोंज। क्या मामला था जिला मुख्यालय पर? ये मेरा कुटीर आया था, शासन ने दिया था तो कुटीर नहीं बनने दे रहे मुस्लिम लोग। कौन नहीं बनने दे रहे? वो सरवर सईद खां है, गांव का जागीदार है, बोलता है मैं 42 गांव का चमरा, तुम मेरी छत से लग के छत नहीं बनाओ। अच्छा, हाँ, शिकायत की आपने? अरे मेरा केस चल रहा है कोर्ट में साहब 4 साल से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो सिरोंज तहसील के कर्मचारी हैं पूरे जो है ना, सब भ्रष्ट लोग बैठे। आज किस संदर्भ में या आज किससे मिले थे आप? आज अभी किसी से ही संपर्क नहीं किया। हम यहीं आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ यही आवेदन देने के लिए, हाँ, कि हमारी कुछ हो जाए निराकरण तो अच्छा है। अपने वहीं लोकल वहीं पे थाने में शिकायत नहीं की थी? थाने में भी शिकायत की, कोई नहीं सुनता, थाना माना भी नहीं सुनता है।